क्या स्थिति है इस वक्त पूरे यूपी की? कल योगी जी के चेतावनी देने के बाद आज क्या हुआ? देखिए रोहित, कल जिस तरीके से लखनऊ में हिंसा हुई तो आज कमोवेश लखनऊ तो शांत रहा, लेकिन दूसरे इलाकों में यह हिंसा फैली है। आज सबसे ज्यादा जो त्रस्त इलाका रहा, आज मेरठ में बहुत जबरदस्त बवाल हुआ, और इस वक्त जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं इस समय भी मेरठ में बवाल बहुत ज्यादा चल रहा है, वहां भी हिंसा आगजनी हुई है। फिरोजाबाद में ये आगजनी हुई है, फिरोजाबाद में हिंसा हुई है, कानपुर में हुई है, इसके अलावा पथराव और लाठीचार्ज तो लगभग दर्जन भर जिलों में हो चुके हैं। जिस तरीके से आज पूरे लखनऊ में पूरे प्रदेश के आला अधिकारी घूमते नजर आए, जिस तरीके से ड्रोन और तमाम चीजों को लेकर के आज लखनऊ में लोग मौजूद रहे ताकि लखनऊ कम से कम शांत रहे, लेकिन दूसरे जगहों पर ये दूसरी शक्ल में आज दिखा। छोटे छोटे शहरों में जैसे भदोही जैसे जिलों में, बहराइच जैसे जिलों में, यहां भी न सिर्फ प्रदर्शन हुए बल्कि हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। शाम शाम तक भले ही सरकार कह रही है कि उसने कंट्रोल कर लिया, लेकिन हालात ये हैं रोहित कि कई जिलों में एक एक करके ये जो बात है ये फैल रही है, ऐसी जो हिंसक प्रदर्शन है वो लगातार फैल रहा है। लखनऊ में अकेले 150 लोग कल रात से गिरफ्तार किए गए हैं, बताया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो चिन्हित किए गए हैं। ठीक है, सरकार ने कहा कि 3000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने नोटिस दिया है, कईयों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन हर दिन के हालात खराब ही हो रहे हैं। रोहित, वापस आता हूं आपके पास अभिषेक, उसके पहले कि मैं काकोली जी से सवाल लूं, दिल्ली गेट पर संजय शर्मा और सीलमपुर में चिराग गोठी मौजूद है, वो सीलमपुर जहां कुछ दिन पहले हंगामा हो चुका है, आज भी वहां से तस्वीरें थोड़ी चिंताजनक हैं, अभी क्या स्थिति है चिराग गोठी? फटाफट लाइव अपडेट अभी का। देखिए, जाहिर तौर पर जो सिचुएशन है चिंताजनक है, आप देखिए अभी भी हालात यहाँ पर 10,000 से ज्यादा जो प्रोटेस्टर्स है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और लगातार नारेबाजी हो रही है। दरअसल जो मौजूद लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये जो पैरामिलिट्री फोर्स यानी रैपिड एक्शन फोर्स के आगे कुछ मौजूद लोग हैं, इनको समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2 से 2.5 घंटे का वक्त बीत गया, अभी तक ये लोग अभी तक डटे हुए हैं और पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, सीनियर पुलिस ऑफिसर स्पेशल सीपी यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा एडिशनल डीसीपी रोहित राजवीर यहाँ पर बदहवास हालत में पहुंचे थे, उनकी आंख पे चोट लगी हुई थी, बिल्कुल इसके पास है रोहित सीमापुरी इलाका जहां उनके चोट लगी और यहां पर वो आए, उनके हाथ में अपना सरकारी हथियार था, उसके बाद उनको तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया गया। ये आप हालात देखिए, ये देखिए रॉयट कंट्रोल व्हीकल यहां पर मौजूद है, जो टीयर गैसेस अगर हालात बिगड़ते हैं तो तुरंत यहां पर जो एक्शन होगा, लेकिन ये वही जगह है जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन हुआ था, सबसे ज्यादा स्टोन पेल्टिंग हुई थी। तो ऐसे में सवाल यही है, कोशिश मनाने की लगातार की जा रही है मौजूद लोगों द्वारा, उनको समझाया जा रहा है कि किस तरह से बहराइच में पथराव हुआ है पुलिस पर, गाजियाबाद में हंगामा इस समय मचा हुआ है, फिरोजाबाद में पुलिस पर पथराव हुआ है, बाइक फूंक दी गई है, बुलंदशहर में पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी गई है, गोरखपुर में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया है। काकोली घोष दस्तीदार गौरव भाटिया को आपने मुझे उम्मीद है कि सुना होगा, वो कह रहे हैं कि जब देश के चुने हुए मुख्यमंत्री ये कहने लगे कि चलो यूएन के पास चलते हैं तो आम लोग तो सड़क पे उतर के यही करेंगे, और क्या करेंगे। काकोली जी, हाँ बोलिए, फिर दोहराइए। काकोली जी, गौरव भाटिया कह रहे हैं, आपका क्या कहना है? मैं ममता बनर्जी जब ये कहती हैं कि यूएन से शिकायत करनी चाहिए, यूएन की देखरेख में यहां पर रेफरेंडम होना चाहिए, तो इन लोगों को बल मिलता है जो सड़क पे उतरकर आग लगा रहे हैं। उन्होंने कब ऐसा कहा? उन्होंने ऐसा नहीं कहा। ये बंगाल में उन्होंने दो बार की चुनी हुई मुख्यमंत्री है और यहां लगभग 10 करोड़ लोग बसे हैं बंगाल में। वो जनता के बारे में बोल रहे हैं कि ये जो कानून है गैर कानूनी कानून है। हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 13 देखिए, आर्टिकल 14 देखिए। इसीलिए ये कानून जो बनाया गया, ये हमारा आम जनता, भारतीय नागरिक जो हम सब है, इनके खिलाफ बनाया गया। इसीलिए आम जनता को साथ लेकर इसके बारे में बात होनी चाहिए, ऐसे कहा है।